वीडियो के माध्यम से हम जो बात कहना चाह रहे हैं, जो बातें हम आज रखना चाह रहे हैं, वह यह है कि विद्यालय में हम बच्चों को तो रोक लेते हैं। विद्यालय में शिक्षक सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक जिसमें खुद रहते हैं, लेकिन बच्चों को लगभग 3:30 बजे तक वो रोक करके रखते हैं, और उन बच्चों को जो विद्यालय में सुविधा मिलनी चाहिए, अगर जिस जहां पर सुविधा है वहां तो कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकतर जगहों पर आप देखेंगे कि विद्यालयों में अमूमन पेयजल की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, और हम लोग बच्चे को जबरदस्ती इसलिए कर रहे हैं कि टाइम तो उसका है ही 9 बजे से 3 बजे, लेकिन विद्यालय में जब आते हैं तो वे घर की ओर नहीं जा पाते हैं। लेकिन पानी की व्यवस्था इस उम्र से बड़ी गर्मी में चाहिए, शौचालय की व्यवस्था जहां बच्चियां पढ़ती हैं उनको चाहिए, लेकिन वो सुविधा नहीं मिल पाता है, और जिसके वजह से बच्चियां कई तरह के यौन बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। इन पर सरकार का ध्यान नहीं है, क्यों नहीं, अगर रिपोर्ट जब जा रहा है तो उन विद्यालयों में क्यों नहीं शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, क्यों नहीं शौचालय का संपूर्ण व्यवस्था किया जा रहा है, पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं कराई जा रही है। तो इन सारी चीजों को सिर्फ रिपोर्ट तैयार करके और रिपोर्ट में किसी तरह गड़बड़ी है तो उस पर शो को निकाल के एचएम का वेतन बंद कर देना है, यह सब काम चल रहा है, लेकिन सुधारात्मक कार्य नहीं चल पा रहा है। तो दोषी कौन है इसमें? सरासर दोषी सरकार और विभाग है। तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।